तो आज मैं 100 डेज तक सर्वाइव करने वाला हूँ पैल वर्ल्ड में, वो भी अपने दोस्तों के साथ। अगर तुम लोगों को नहीं पता कि पैल वर्ल्ड क्या है, तो पैल वर्ल्ड एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में हमें बहुत सारे जानवर दिखेंगे और इन जानवर को हम गेम के अंदर पैल्स बोलते हैं। तो हम इन पैल्स के साथ लड़ सकते, इनके ऊपर बैठ के इनकी सवारी कर सकते, इनको काम करवा सकते, फार्मिंग करवा सकते, बिल्डिंग करवा सकते, कुछ भी करवा सकते हैं। बिल्कुल माइनक्राफ्ट के जैसे हम इस गेम में क्राफ्ट कर सकते, एक्सप्लोर कर सकते, बिल्ड कर सकते, ब्रीड कर सकते, और इसके अलावा बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चीजें भी है इस गेम में, जो कि इस गेम को माइनक्राफ्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैं इस गेम को पहली बार खेल रहा हूँ, इसका मतलब मैं इस गेम में भी बाकी गेम्स की तरह बहुत बड़ा नूब हूँ। तो 100 डेज के एंड तक मैं कितना प्रोग्रेस कर पाऊंगा, कितने पोकेमॉन्स को पकड़ पाऊंगा और कितना प्रो बन पाऊंगा, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। और यूट्यूब के अकॉर्डिंग तुम में से एक बंदा ऐसा है जो कि बस मेरे वीडियो देखकर चले जाता है बट सब्सक्राइब ही नहीं करता, तो अगर वो इंसान तुम हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो गेम को शुरू होने से पहले मेरे को अपना कैरेक्टर को सिलेक्ट करना था। ये देखो दोस्तों, ये रहा हमारा कैरेक्टर। मैं लड़का हूँ बट आई लव लड़की इन द गेम। नॉटी नॉटी। तो गेम की शुरुआत में मैं बियोस था और मेरी आँख खुलती है, और मेरी आँख खुलते ही मेरे सामने तीन पोकेमॉन्स दिखते हैं मेरे को। मेरे को देखते ही वो तीनों पोकेमॉन्स वहाँ से भाग जाते हैं डरते हुए। ऐसा लग रहा है कि मेरे कैरेक्टर को खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया। फिर मेरे को मेरे सामने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिखता है जो कि काफी ज्यादा यूनिक था, और उधर पे मेरे को कुछ सस्पिशियस सा मैसेज दिखता है जो कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता। तो इसको इग्नोर करके मैं गेम में आगे बढ़ता हूँ, और इस वर्ल्ड में मेरे साथ मेरा दोस्त गेमबीट भी खेलने वाला है। तो चलो सबसे पहले अपने दोस्त गेमबीट से मिल लेते हैं। अबे भाई ये क्या? भाई मैं जिम में जाके बस लेग्स की एक्सरसाइज करता हूँ, आपको क्या, देखो कितनी जल्दी पार्ट जल लेता हूँ। फिर हमें हमारे वर्ल्ड का पहला पोकेमॉन दिखता है जो कि एक भेड़ था। तो फिर हम दोनों ही मिलके उसको मुक्का मारने लगते हैं और उसको मार ही देते हैं। इससे हमें कुछ खाना और वूल मिल गया था। फिर हम उस केव से बाहर निकलते हैं और वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखता है जो कि पहाड़ों से भी बड़ा था। और गेम के शुरुआत में हमें एक मैसेज दिखा था, द ट्री होल्ड्स द ट्रूथ, जिसका मतलब इस पेड़ के पीछे कुछ ना कुछ राज तो छुपा हुआ है जो कि हमें किसी ना किसी दिन तो पता लगाना पड़ेगा। बट अभी के लिए हमें बाजू में एक बंदा दिखता है। ओ ये बंदा है, बंदा है, बंदा है, बंदा है। ये बोल रहा है कि पाल्स आइलैंड लिविंग तू बंदा क्या बोला, मेरे को ज्यादा तो समझ नहीं आया, बट इतना पता चला कि यहाँ के पैल्स यहाँ के सारे इंसान को खा चुके हैं, इसीलिए अभी यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। फिर हमने कुछ गिरे हुए लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया और एक प्रिमिटिव वर्क बेंच बना लिया जो कि इधर का क्राफ्टिंग टेबल है। फिर हमें कुछ बेरीज दिख गए, तो फिर हम सारे बेरीज को भी कलेक्ट करने लग गए, हम उन बेरीज को खा सकते थे। फिर मैंने देखा कि इस गेम में बहुत सारे चीजों को क्राफ्ट कर सकते हैं, बट क्राफ्ट करने से पहले हमें उन्हें अनलॉक करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी पॉइंट्स लगते हैं। मेरे पे ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स पड़े हुए थे तो मैंने फटाफट से कुछ चीजों को अनलॉक कर लिया। फिर मैंने देखा कि इस गेम में बहुत सारे लेवल्स होते हैं और हर एक लेवल पे नई चीजें अनलॉक हो जाएंगे, बट अभी तो मैं सिर्फ लेवल 3 पे था और बहुत कम चीज बना सकता था क्योंकि ये एक पोकेमॉन को पकड़ने वाला गेम है। तो इधर पे पोकेबॉल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले पोकेबॉल ही बना लेते हैं। और इस गेम में पोकेबॉल को पैल स्पीयर बोलते हैं, बट इसको बनाने के लिए मेरे पे थोड़े से सामान कम पड़ रहे थे, तो मैं फटाफट से उन सामान को कलेक्ट करने लग गया। तो मैंने मुक्का मार मार के कुछ स्टोन को कलेक्ट कर लिया, और अब मेरे को प्लैडियम फ्रेगमेंट करके एक और चीज को ढूंढना था पैल स्पीयर बनाने के लिए। तो फिर मैं आगे बढ़ गया और उस दौरान मेरे को एक और पैल मिल गया। बहुत ज्यादा क्यूट था ये वाला पोकेमॉन, बट वो मेरे से भाग रहा था, शायद इसको पता चल गया कि मैं इसको मारने वाला था। फिर थोड़े से दूर मेरे को एक नीला पत्थर मिल गया जिसको तोड़ के मेरे को प्लैडियम फ्रेगमेंट मिल रहा था जो की जरूरत पड़ने वाला था पैल स्पीयर बनाने के लिए। तो मैंने फटाफट से उस पत्थर को तोड़ दिया, वापिस अपने बेस में चला आया और फटाफट से दो पैल स्पीयर बनाने लग गया। फिर उन पैल स्पीयर को लेके पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया और उधर पे मेरे को एक बहुत ही बड़ा सा हाथी दिख गया। इस हाथी को देखने के बाद मैंने ठान लिया था कि एक दिन तो मैं पक्का इतना पावरफुल बनूंगा कि इस हाथी को भी अपने पैल स्पीयर के अंदर ले पाऊं। बट अभी के लिए तो एक सुअर को ही पकड़ लूं वो भी बड़ी बात थी मेरे लिए। तो फिर मैं फटाफट से एक सुअर के पास गया और उसको मारने लग गया, क्योंकि अगर मैं पोकेबॉल को फेंकने से पहले इसको कमजोर करूंगा तो ये इजीली आ जाएगा मेरे पोकेबॉल में। वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया था मेरे साथ, बट फिर जब मैंने अपने पोकेबॉल को उसके ऊपर फेंका तो फाइनली आ गया और मैंने अपना पहला पोकेमॉन को कलेक्ट कर लिया था। फिर मैं और मेरा पोकेमॉन हम दोनों मिलके एक दूसरे पोकेमॉन के पीछे भागने लगे उसको पकड़ने के लिए, बट वो पेंगुइन वाला पोकेमॉन काफी ज्यादा तेज था, हमें बहुत टाइम लगा उसको पकड़ने में, बट आखिरकार हमने उसको भी पकड़ लिया और अब हमारे पास दो पोकेमॉन्स हो गए थे। इतने में शाम हो चुका था और अभी तक हमारे पास इनफ खाना भी नहीं था, तो फिर हमने थोड़े से बेरीज को कलेक्ट कर लिया। पूरे दिन काम करने से बहुत ज्यादा भूख भी लग रहा था, तो फिर मैंने और मेरे पोकेमॉन्स ने उन बेरीज को ही खा लिया। फिर मेरे को एक स्टैच्यू दिखा जहाँ से हम फास्ट ट्रैवल कर सकते थे दूसरे फास्ट ट्रैवल वाले लोकेशन पे, वहाँ से फास्ट ट्रैवल करके मैं
वापस अपने घर पे चला गया और फिर हम दोनों मिलके फटाफट से घर बनाने लग गए क्योंकि ऑलरेडी रात हो चुका था। पहले तो हमने टॉर्च बना लिया क्योंकि हमें कुछ भी दिख नहीं रहा था और काफी ठंडी भी हो रही थी। फिर मैंने बाकी के टूल्स बना लिया जैसे कि स्टोन के पिकैक्स एंड एक्स। फिर मैंने फटाफट से कुछ पेड़ को तोड़ा ताकि मेरे को कुछ लकड़ी मिले और मैं बेड बना पाऊं। बट माइनक्राफ्ट के जैसे हम खुले में बेड को नहीं रख सकते थे इस गेम में, हमें पहले घर बनाना होगा। तो फिर हम दोनों मिलकर फटाफट से घर बनाने लग गए। फिर हम दोनों ने अपने लिए एक एक बेड को भी क्राफ्ट कर लिया। बट अभी भी हम इन बेड में नहीं सो सकते थे क्योंकि इस गेम में सोने के लिए छत भी चाहिए होता है। तो ना चाहते हुए भी हम दोनों को पूरे घर को कंप्लीट करना ही पड़ा। तो घर रेडी होने के बाद फाइनली हम दोनों ही अपने अपने बेड पे सो पाए और रात को गुजार लिया। अगले दिन सुबह उठते ही हमें एक अजीब सा पोकेमन दिखा, तो फिर हम दोनों ही उसके पीछे भागने लग गए। हम दोनों ने पीट पीट के उसको कमजोर कर दिए और काफी आसानी से उसको अपने पोकेबल के अंदर भर लिया। गैम्बिट भी उस पोकेमन को पकड़ना चाहता था तो मेरे से थोड़ा सा गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने उसके पोकेमन को पकड़ लिया था। बट इस गेम में हम एक दूसरे को नहीं मार सकते इसलिए वो मेरे को नहीं मार पाया। फिर हम दोनों मिलके बाकी पोकेमन्स को मारने लग गए, कुछ और बेरीज को इकट्ठा कर लिया और अपने वर्ल्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। और इस दौरान हमें एक काला चमकादार टाइप का पोकेमन दिख गया। ये बाकी सारे पोकेमन से थोड़ा अजीब लग रहा था तो हमें लगा कि ये थोड़ा सा स्पेशल होगा, तो हमने फटाफट से उसको पेल दिया और अपने पोकेबल में भर लिया। बट ये पोकेमन थोड़ा सा स्ट्रांग था इसलिए वो एक बारी में हमारे पोकेबल के अंदर नहीं आ रहा था, उसको काफी बार पोकेबल को फेंक के मारना पड़ा। और आखिरकार मैंने इस वाले पोकेमन को भी कैप्चर कर ही लिया। फिर मेरे को एक नया स्किल के बारे में पता चल गया, हम इस तरह से स्लाइड भी कर सकते थे इस गेम में और इस तरीके से हम काफी जल्दी जल्दी ट्रैवल कर पा रहे थे। फिर हमें कुछ चिड़िया भी दिखे बट वो काफी हाई लेवल पे थे तो उनको पकड़ पाना इम्पोसिबल था, इसीलिए हम दूसरे छोटे मोटे पोकेमन को एक एक करके पकड़ रहे थे। फिर मेरे को माउंटेन के ऊपर एक प्यारा सा अंडा दिख गया। भले ही अभी तो मेरे को नहीं पता कि इसको कैसे हैच करते, बट किसी दिन मैं इतना एडवांस बनूंगा कि इसको हैच करके इसके अंदर से एक पोकेमन को बाहर निकालूंगा। फिर मैं वापस अपने घर पे चला गया, कुछ और पैल स्पीयर्स को क्राफ्ट कर लिया। मैं लेवल 5 पे पहुंच गया था तो कुछ और चीजें भी अनलॉक हो गए थे और उनमें से मेरे को ये पैराशूट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था तो मैंने फटाफट से उसको क्राफ्ट कर लिया और उसको लेके उड़ने चला गया। मजा तो बहुत आया बट मेरा पैराशूट काफी ज्यादा कमजोर था, बहुत जल्दी इसके हेल्थ खत्म हो गया और मैं नीचे गिर गया। फिर कुछ टाइम तक मैंने अपने नए पैराशूट के साथ खेला। फिर मेरे को गैम्बिट ने बुलाया क्योंकि उसका एक ऊंट के साथ दंगा हो गया था, तो फिर हम दोनों ने मिलकर उस ऊंट को भी निपटा दिया। हम उसको मारना नहीं चाहते थे, अपने पैल बॉक्स में पकड़ना चाहते थे बट वो आ ही नहीं रहा था इसलिए हमें उसको मारना पड़ा। फिर मेरे को कुछ तो अजीब सा ग्रीन कलर का लाइट दिखा तो फिर मैं उसके पास चला गया और उसको ले लिया। फिर बाद में मेरे को पता चला कि इससे हम अपने पैल पकड़ने की पावर को बढ़ा सकते हैं। मेरे को मेरा पैराशूट काफी पसंद आ रहा था इसलिए मैं उसको बार बार यूज कर रहा था, बट एक बार ही उसी की वजह से मैं मर गया क्योंकि भाई इस गेम में पानी के अंदर तैर नहीं सकते। अगर पानी में तुम्हारा स्टैमिना खत्म हो गया तो तुम बच ही नहीं सकते इस गेम में, भाई अपने आप डूब के मर जाते, तो फिर मैं भी इससे ही मर गया। ये तो अच्छा हुआ कि हम हार्डकोर मोड में नहीं खेल रहे थे इसलिए मैं वापस से स्पॉन हो गया। तो मैं फटाफट से भागते हुए वही लोकेशन पे चला गया और अपने सारे सामान को वापस ले लिया। काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था इसलिए मैंने अपने फायर वाले पैल को बाहर निकाला और ये पोकेमन हमें अच्छे से रोशनी दे रहा था। रात काफी ज्यादा घनी हो चुकी थी इसलिए हम फटाफट से वापस अपने घर पे चले गए और सो गए। अगले दिन हम जल्दी जल्दी उठ गए क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला था क्योंकि आज मैं बनाने वाला था अपना पहला पैल बॉक्स। तो पैल बॉक्स बनाने के बाद तुम अपने सारे पोकेमन्स को उसके अंदर स्टोर कर सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपने पैल्स को काम भी करवा सकते हो इस पैल बॉक्स के मदद से। तो मैंने अपने 3 पैल्स को काम के लिए चूज कर लिया और वो तीनों लोग फटाफट से काम करने लग गए। अपने पोकेमन्स को पहली बार हेल्प करते हुए देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था और ये देखो ये लोग भी कितना ज्यादा खुश थे। बिल्ड करने से लेके पत्थर तोड़ने तक सारे काम में मदद कर रहे थे मेरे पोकेमन्स। बट मेरे को इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल पोकेमन्स को भी पकड़ना था तो फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर के लिए निकल गया और मेरे को रास्ते में बहुत ज्यादा सुंदर दिखने वाले कुछ हिरण दिख गए। तो मैंने सोचा चलो इनको पकड़ ही लेते, तो मैंने उन पे अटैक किया उनको पकड़ने के लिए। बट वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो लोग मेरे को बारी बारी में हवा में उड़ा रहे थे। मेरे को इंस्टेंटली पता चल गया था कि उनको मार पाना मेरे औकात से बाहर है, तो फिर मैं वहां से अपने पोकेमन्स को लेके भाग गया। चलते चलते फिर से रात होने वाली थी तो मेरे को फास्ट ट्रैवल करके फिर से वापस घर लौटना पड़ा। तो घर जाके मैं सो गया और अगले दिन फिर से नए पोकेमन्स के खोज में एक्सप्लोर करने लग गया। और एक्सप्लोर करते हुए मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे कुछ लोगों ने एक पोकेमन को किडनैप करके रखे थे। तो मैंने वहाँ के सारे गुंडे को मार दिया और उस पोकेमन को आजाद कर दिया। इससे वो पोकेमन बहुत ज्यादा खुश हो गया और मेरा टीम को ज्वाइन कर लिया। अब से मच्छी वाला पोकेमन भी मेरे साइड से लड़ने वाला था दुश्मनों से। तुरंत ही उधर पे कुछ और लोग भी आ गए हमसे लड़ने के लिए और मेरा पोकेमन भी उनसे मेरे साइड से लड़ने लग गया और मैं भी अपने पोकेमन का हेल्प कर रहा था। और मैंने फिर सोचा कि चलो इसको अपने पोकेबॉल में पकड़ लेते, बट वो बंदा मेरे पोकेबॉल के अंदर आ ही नहीं रहा था। मैंने काफी पोकेबॉल्स को वेस्ट किए उस पे बट फिर भी वो बंदा आया ही नहीं। तो फिर अंत में मैं कुछ बंदे को भी मारना ही पड़ा। फिर उसके बाद मैंने कुछ और पोकेमन्स को भी पकड़ा जैसे कि ये बंदर वाला पोकेमन, झाड़ी वाला पोकेमन और प्लेन वाला पोकेमन। पहले एक बार मैंने ट्राई किया था इस हिरण को पकड़ने का बट उस बार मैं नहीं पकड़ पाया था। बट अभी मैं थोड़ा सा पावरफुल बन गया था इसलिए मैंने फिर से एक बार ट्राई किया
यार इस बार फाइनली वो मेरे पोकेबल के अंदर आ गया। बाजू में मेरे को नाइटविंग दिखा जो कि उड़ने टाइप का पोकेमन है और इसके ऊपर हम भी बैठ के उड़ सकते, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी पकड़ ही लेता हूँ। बट इसको पकड़ना अभी के लिए शायद मेरे ओका से थोड़ा सा बाहर था, इसलिए मेरे को काफी पेला। लिटरली मेरा हेल्थ देखो भाई, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। मैं काफी देर तक लड़ा उस पोकेमन के साथ और हमने उसको काफी कमजोर कर दिया था, बट उसको पकड़ने से पहले ही वो मर गया। तो हम उसको पकड़ तो नहीं पाए, बट इतना तो पता चल गया था कि मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ। फिर उसके बाद मैं वापस अपने बेस पे लुट गया और तुम लोग देख सकते हो अभी तक मेरे को इतने सारे पोकेमन्स मिल गए थे। फिर वहीं पे एक वैंडरिंग ट्रेडर आ गया, तो फिर हमने सोचा चलो इसको भी पोकेबल के अंदर पकड़ ही लेते। तो हमने उसको भी पकड़ने का ट्राई किया, वो सच्ची में हमारे पोकेबल के अंदर आ भी गया। हम इस चीज से काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लिटरली हमने एक इंसान को अपने बॉल के अंदर कैद करके रखा था। फिर हम दोनों एक दूसरे को अपने पोकेमन्स को दिखाने लग गए और फिर मेरे को दिखता है कि भाई गिम्बिट ने इतना बड़ा चिकन को कैप्चर कर लिया था। ये देखो छोटे चिकन के सामने कितना बड़ा लगता है चिकन, और इसका डैमेज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। फिर मैं अपने बेस पे चला गया, चेस्ट वेस्ट बना रहा था, तभी कुछ लोगों ने हमारे बेस पे अटैक कर दिया। बट मेरे बेस पे इतने सारे पोकेमन्स थे तो उनको हराना काफी ज्यादा आसान था। हम सब ने मिलकर उनको काफी इजीली मार दिया। इन पोकेमन्स को पकड़ने के लिए पोकेबॉल्स बार बार खत्म हो रहे थे, इसलिए मेरे को एक ऐसा फार्म बनाना था जिससे मेरे को अनलिमिटेड पोकेबॉल्स मिल जाए। और मेरे को वैसा फार्म भी मिल गया था जिसका नाम था रैंच, बट उसको बनाने के लिए मेरे पे थोड़े से सामान कम पड़ गए थे। तो मैं फटाफट से उन सामान को कलेक्ट करने लग गया। अपने पोकेमन्स को खाना खिलाने के लिए मैंने एक फीड बॉक्स भी बना लिया और अब से मेरे बेस के सारे पोकेमन इसके अंदर से अपने आप ही खाना निकाल के खा सकते हैं। अब तक सारे सामान भी इकट्ठा हो गए थे तो मैंने रैंच बनाने का काम को भी शुरू कर लिया और मेरे को इस काम में मेरे सारे पोकेमन्स भी मदद कर रहे थे। अब मेरे को एक स्पेशल पोकेमन को ढूंढ के लेकर आना था और रैंच में रखना था ताकि वो पैल स्पेयर्स ढूंढ सके। बट उसको ढूंढने जाने से पहले मैंने सोचा एक शील्ड भी बना लेता हूँ, तो मैंने एक कॉमन शील्ड को क्राफ्ट कर लिया और अब से मेरे को थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन मिलने वाला था। फिर मैं निकल गया उस पोकेमन को ढूंढने जो कि मेरे को अनलिमिटेड पैल स्पेयर्स लाके देगा। उस पोकेमन का नाम बिक्सी है, बट काफी टाइम तक ढूंढने के बाद भी मेरे को एक भी बिक्सी नहीं मिला। रात होने वाला था और मेरे को एक पिकाचू मिल गया बिक्सी के जगह पे, तो मैंने उसी को पकड़ लिया और वापस घर चला गया। मेरा घर थोड़ा सा दूर था इसलिए मैं आज के रात भी गिम्बिट के ही घर में जाके सो गया। अगले दिन मेरे को फाइनली एक बिक्सी मिल गई, तो मैंने उसको फटाफट से अपने पैल बॉल में पकड़ लिया। पास में मेरे को कुछ जंगली सुअर भी दिख गए, तो मैंने उनको भी अपनी टीम में ले लिया और फिर चलते चलते मैं पहुंच गया एक छोटे से गाँव में। उधर पे मेरे को कुछ वैंडरिंग ट्रेडर्स दिख गए और वो लोग बहुत सारे चीजें बेच रहे थे, बट अभी मैं कुछ ज्यादा ही गरीब था तो मैं उनसे कुछ भी खरीद नहीं पाया। फिर मेरे को एक सोते हुए इंसान दिखा, तो मैंने उसके सर पे एक टपली मारा और वहां से भाग गया। मैं सीधा अपने घर चला गया और मिले हुए बिक्सी को अपने नए फार्म में रख दिया ताकि वो मेरे को अनलिमिटेड पैल स्पेयर्स दे सके। कुछ ही मिनट के अंदर वो ऑलरेडी पैल स्पेयर्स देने लग गया था। मैंने बेरी फार्म को भी अनलॉक कर लिया था, तो मैंने फटाफट से 2 बेरी फार्म्स भी बना लिया और अब से मेरे को खाने का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। अब तक काफी ज्यादा रात हो चुकी थी इसलिए मैं सो गया और अगले दिन का शुरुआत किया अपने पैल बॉक्स को अपग्रेड करके। इसको अपग्रेड करने से मैं अपने बेस में ज्यादा पैल्स को रख सकता हूँ और ज्यादा काम करवा सकता हूँ, तो अपने पैल बॉक्स को अपग्रेड करना काफी ज्यादा जरूरी था। फिर मैंने एक स्टैचू बना लिया और इससे मैं अपने आप को और अपने पोकेमन्स को अपग्रेड कर सकता था। मेरे को जो सुअर मिला था मैं उसके ऊपर बैठ के उसको राइड भी कर सकता था, तो मैंने फटाफट से उसको भी अनलॉक कर लिया और उसके सैडल को क्राफ्ट कर लिया। पहली बार किसी जानवर के ऊपर बैठने का मौका मिला था मेरे को इस गेम में, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और अब से मैं सुअर के ऊपर बैठ के पहले से काफी जल्दी ट्रैवल कर पाऊंगा। तो कुछ टाइम तक मैंने अपने सुअर को फुल स्पीड में भगा के मजे ले लिया और फिर मैंने स्टोन और वुड के लिए अलग अलग से 2 फार्म्स बना लिया। इन फार्म्स को देखते ही मेरा हिरण वाला पोकेमन वुड को तोड़ने लगा और मेरा सुअर वाला पोकेमन पत्थर कलेक्ट करने लगा, तो अब से मेरे को स्टोन और वुड की भी कभी कमी नहीं होने वाली थी। मैं अपने बेस को भी बार बार अपग्रेड कर रहा था और देखते ही देखते मेरा बेस लेवल 7 का हो चुका था और मेरे बेस के अंदर इतने सारे पैल्स काम कर सकते थे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बट मैंने अपने पुराने घर को तोड़ दिया था, इसलिए मैं बार बार गिम्बिट के घर में जाता था सोने के लिए। तो मैंने सोचा एक घर भी बना ही लेता हूँ, कितने बार जाऊँ उसके घर में सोने के लिए। तो फटाफट से मैं एक छोटा सा घर बनाने लग गया। वैसे मैं फ्यूचर में दूसरे लोकेशन पे अपना मेन बेस बनाऊंगा, इसलिए मैं इस घर को इतना बड़ा नहीं बना रहा था, बट फिलहाल के लिए मेरा छोटा सा बेस रेडी हो चुका है और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। फिर मेरा एक और दोस्त सिद्धार्थ ने भी सर्वर को ज्वाइन कर लिया और मैंने उसको भी अपने टीम में ले लिया। फिर हमने थोड़े अच्छे से कपड़े वगैरह पहन लिया और फिर निकल गए एक एडवेंचर में। हमारा आज का गोल था एक बॉस पोकेमन से लड़ना और उसको पकड़ना। ट्रैवल करते करते हम बहुत दूर पहुंच गए थे और वहाँ पे हमें एक डायरवुल्फ दिखा, तो फटाफट से हमने उसको लो कर दिया और पकड़ लिया। सिद्धार्थ बोल रहा था कि इसको हम काफी जल्दी भगा सकते हैं। इतने में शाम हो गई थी तो हम फटाफट से वापस अपने घर की तरफ भागने लग गए। फिर घर जाके मैंने सिद्धार्थ के लिए एक और बेड बना दिया। फिर सो के हमने रात को स्किप कर लिया और अगले दिन उठ के मैंने अपने पोकेमन्स को थोड़े से खाना खिलाया, अपने फार्म से कुछ पोकेबल्स को इकट्ठा कर लिया और एक धनुष बना लिया जिसमें से एक ही साथ 3 एरोज निकलते। फिर मैंने उस स्टैचू से अपने पैल्स को
कैप्चर करने का पावर को भी थोड़ा सा बढ़ा लिया और फिर हम निकल गए एक मेन बुश को पकड़ने के लिए। बट मेन बुश तक पहुंचने से पहले मेरे को रास्ते में एक बड़ा सा चिकन दिख गया। ये वैसा ही चिकन था जैसा गैम्बिट को मिला था और मेरे को भी ये पकड़ना था, तो मैंने इसके ऊपर अटैक किया, इसको कमजोर कर दिया, इसके ऊपर पैल बॉल फेंक के इसको पकड़ लिया। फिर मेरे को उड़ने वाला पोकेमॉन दिख गया, तो मैंने फिर से ट्राई किया इसको पकड़ने का। पहले तो हमने इसको मार ही दिया था, पकड़ नहीं पाए थे, बट इस बारी हम दो लोग थे और हम पे अच्छे खासे आर्मर और हथियार भी थे, तो इसको पकड़ना काफी ज्यादा आसान हो गया। मैं इसके ऊपर बैठ के उड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, बट फिर मेरे को पता चला कि इसके लिए मेरे को लेवल 15 तक पहुंचना पड़ेगा, तो मेरा उड़ने का सपना तो टूट गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे को जो कुत्ता मिला था उसी के ऊपर सवारी करते है। मेरे को पता था कि वो मेरे सुअर से तो पक्का जल्दी भागेगा, तो रात तक मेरा सैडल रेडी हो गया और मैंने उसको भगा के चेक किया। सच्ची में भाई वो बहुत जल्दी भागता था। फिर मेरे को पता चला कि मैं अपने आग वाले पोकेमॉन को कुछ इस तरह से भी यूज कर सकता हूँ, जो कि काफी ज्यादा कूल था। फिर अगले दिन हम दोनों ने मिलके एक तितली वाले पोकेमॉन को पकड़ लिया और ये सब करने के बाद अब फाइनली बारी आ गई थी मेन बॉस पेनकिंग से फाइट करने का। ओके 3, 2, 1 क्योंकि हम रात में गए थे इससे लड़ने, तो ये सो रहा था और इसको देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन कुछ ऐसा था, ये तो डोरेमॉन है। और फिर हम उसके साथ लड़ने लग गए। लेफ्ट क्लिक, अबे बे वैसा एफ क्यों दबाया तू? तू बोला ना एफ दबा ला, ये क्या हो गया इसको? मैं कब बोल दबा भाई, ये तो मेरे को मारने आ रहा है, गोपी मार उसको साला मोटा। ये ले, ये तो इजी लग रहा है बट साला डोरेमॉन जैसा। आई डोरेमॉन तो इजी है। चलो दोस्तों अब फायर की बारी। ये ले, अबे यार मर मत जाना। ये ले मोटा, अबे जमा दिया साड़े ने। गोपी पक्का मरने वाला है। मैं कैसे मरूंगा? अबे तेरा तो शील्ड जा चुका है कॉपी, क्योंकि नहीं नहीं चिकी पी को लड़ा था। चिकपी चिकपी तो पेल देगा भाई। अबे लार इसका तो एम ही खराब है, बट पेल देगा भाई, पेल रहा है, गिरा दिया गिरा दिया गिरा दिया गिरा दिया। देख आग लगा रहा है भाई। पहले क्यों नहीं रिलीज किया हमने इसको, बट इसका भी हेल्थ जल्दी जा रहा है वैसे तो। वो तो तेरे को पता होगा। ये ले मैं पीलता हूँ थोड़ा, मारो मैं भी उंगली करने। 400 बताए बस, इजी है भाई इसको। बट ये शायद हमारे उसमें नहीं आएगा ना, बॉल में आएगा आएगा आएगा। तू पूरा ट्राई करना पकड़ने का, फिर मैं लास्ट में ट्राई करूंगा इसका। बस यही आज का हमारा बॉस होने वाला था। और ये देख लो आए भाई। अबे कहाँ जा रहे हो? वो भी पकड़ना भी है, भूलना मत। थोड़ दे इतुसा रखते हैं ना, इतुसा अभी तो बहुत है। थोड़ा और थोड़ा और। अबे थोड़ा और मर जाएगा वो। 4% चांस है बस। अरे तो क्या कर सकते हैं, कॉमन। आजा 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 आजा। ओ अबे साढ़े मोटे। अपन कॉमन पाल स्फीयर यूज कर रहे हैं ना, तो मेगा नहीं है क्या तेरे पे? 2 दबा। नहीं है बट आ जाएगा, इतने सारे है ना, एक में तो आ ही जाएगा। 15 है भाई। मैं कुछ के जा रहा हूँ। ओ, आ गया please. आ गया ब्रो, लेट्स गो। और मेरा पहला बॉस था भाई ये तो, बढ़िया। चलो दोस्तों पैन किंग देखते हैं पहले। अभी हमने जिसको पकड़ा ये गया, ये पानी भरता है, मस्त देखना मुंह से पानी फेंकेगा। कैसे भाग रहा है ऐसा उसके जैसा? अरे तो माइनिंग करने चले गया भाई, इतना बड़ा है तो एक ही बार में पूरा पत्थर तोड़ देगा लग रहा है। डोरेमॉन बढ़िया है, इसको बस लड़ाना है मेरे को, लड़ता अच्छा होगा ना ये। तो हम दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। हम दोनों ने मिलकर इस वर्ल्ड के पहले बॉस को पकड़ लिया था। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे कूल चीजें अभी अनलॉक ही नहीं हुए, क्योंकि मेरा लेवल बहुत ज्यादा कम था। तो अब मेरा अगला गोल था जल्दी जल्दी से अपने लेवल को अपग्रेड करना, ताकि मैं बहुत सारे कूल चीजें को अनलॉक करके उनको बना पाऊं। और अपना लेवल बढ़ाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है पोकेमॉन्स को पकड़ना, तो फिर मैं फटाफट से सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने लग गया। मेरे को जल्दी से अपने लेवल को एटलीस्ट 20 तक लेकर जाना था, ताकि मैं ब्रीडिंग फार्म बना सकूं, क्योंकि उसके बाद हम डिफरेंट पोकेमॉन्स को ब्रीड कर सकते हैं और उससे बहुत तगड़े तगड़े पोकेमॉन्स निकल सकते हैं अंडे से। फिर मेरे को एक बेस मिला जो कि गैम्बिट का था, उसने यहाँ पे एक नया बेस बना लिया था, क्योंकि अभी हम अपने अलग अलग घरों में रह रहे थे। तो कुछ दिनों तक ऐसे डिफरेंट पोकेमॉन्स को पकड़ने के बाद मेरा लेवल 15 हो गया और नाइट वीक का सैडल भी अनलॉक हो गया। तो अभी सैडल को क्राफ्ट करके मैं पहली बार इस गेम में उड़ सकता था, तो मैं फटाफट से लग गया इस सैडल को क्राफ्ट करने की काम में। और अब बारी था इस चिड़िया के ऊपर बैठ के उड़ने का। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था पहली बार उड़ने के लिए, और सच्ची में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मजेदार था। इमेजिन करो गाइस, मैं किसी पंछी के ऊपर बैठ के उड़ रहा हूँ, भाई कितना क्रेजी है। और इतने ऊपर से पूरी दुनिया ही अलग लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो कुछ टाइम तक मैंने ऐसे उड़ के मजे ले लिया और फिर वापिस लग गया अपने पुराने काम में। मेरे को व्हीट के सीड चाहिए थे व्हीट फार्म बनाने के लिए, बट मेरे को पता नहीं था कि वो कहाँ मिलता है। तो पहले तो मैंने अपने शील्ड को अपग्रेड करके मेगा शील्ड बना लिया और फिर अपने उड़ने वाले चिड़िया के ऊपर बैठ के चला गया व्हीट के सीड को ढूंढने के लिए। बट रात तक ढूंढने के बाद भी मेरे को कुछ भी नहीं मिला, तो मेरे को वापस लौटना पड़ा। अगले दिन मेरे को ये अजीब से पौधे वाले पोकेमॉन्स मिले, तो मेरे को लगा शायद इसको पकड़ने से मेरे को मिल सकता है, बट इससे मेरे को बेरी सीड मिल गया। फिर मैंने कुछ और पौधे टाइप के पोकेमॉन को पकड़ा, बट कोई भी व्हीट के सीड नहीं दे रहा था। फिर मेरे को याद आया उस वैंडरिंग ट्रेडर
ट्रेडर के बारे में जो कि उस गांव में था। तो फिर मैं उसके पास चला गया और उससे खरीद लिया 3 व्हीट के सीड्स। अब मैं फाइनली व्हीट का भी खेती बाड़ी लगा सकता था। तो फिर मैं वापस अपने घर पे चला गया और अपना पहला व्हीट का फार्म बना लिया। अब मेरा अगला टारगेट था ब्रीडिंग फार्म बनाना, जिसके लिए मेरे को लेवल 19 तक होना पड़ेगा। तो मैं वापस से लग गया डिफरेंट पोकेमॉन्स को पकड़ के अपने लेवल को बढ़ाने के काम में। कुछ ही दिनों में मेरा लेवल 19 तक पहुंच गया था। तो अब मैं फाइनली अपने पोकेमॉन्स के लिए ब्रीडिंग फार्म बना सकता था। पहले तो मैंने एक हॉट स्प्रिंग बना दिया अपने पोकेमॉन्स को नहाने के लिए। फिर मैंने अपने बेस को भी अपग्रेड कर लिया। अभी तक वही गंदे बेरीज खा के हम सब लोग पक गए थे। तो मैंने थोड़ा सा अच्छा खाना को कुक करने के लिए रख दिया। मेरे पुराने कपड़े फट गए थे, इसलिए मैंने थोड़े से अच्छे टाइप के नए कपड़े बना लिया और इस कपड़े में मैं काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। फाइनली मेरा ब्रीडिंग फार्म भी अनलॉक हो गया था क्योंकि मैं लेवल 20 का हो चुका था। तो मैंने अपने पोकेमॉन्स के साथ मिलकर फटाफट से ब्रीडिंग फार्म को भी बना दिया और अब मैं फाइनली रेडी था ब्रीडिंग करके मस्ट टाइप्स के पोकेमॉन्स को निकालने के लिए। बट उससे पहले मेरे को अच्छे पोकेमॉन्स को ढूंढना था जिसको मैं ब्रीडिंग कर सकूं। तो मैं फिर से निकल गया एक अच्छे पोकेमॉन के खोज में और मेरे को एक बहुत क्रेजी दिखने वाला डायनासोर दिख गया। तो मैंने सोचा चलो इसी को पकड़ लेता हूं। बहुत मेहनत लग रहा था इस पोकेमॉन से फाइट करने में, मेरे आर्मर भी टूट गया था, हेल्थ भी जाने वाला था, रात भी हो गई थी। तब जाके फाइनली मैंने इस पोकेमॉन को पकड़ लिया। फिर मैं फटाफट से वापस अपने बेस पे चला गया और सो गया। ब्रीडिंग करने के लिए पोकेमॉन का जुगाड़ तो हो गया था, बट उनको केक भी देना पड़ता है ताकि वो ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू कर सके, और उसके लिए अभी तक भी मेरे पास कुछ सामान नहीं थे। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ व्हीट को हार्वेस्ट करके उसको मिल में डाल दिया ताकि वो फ्लोर बने। फिर मैं निकल गया गाय को ढूंढने के लिए क्योंकि मेरे को दूध भी चाहिए था केक बनाने के लिए। मेरे को नदी के बीच में एक गाय दिख गया जो कि नहा रहा था, तो मैंने उसको नहाने भी नहीं दिया, उसको उधर ही पेल दिया। उसको थोड़ा सा कमजोर करने के बाद मैंने उसके ऊपर पैल बल को फेंक दिया और उसको पकड़ लिया। वहां से जाने से पहले मैंने एक और गाय को भी पकड़ लिया और वहां से निकल गया। मैं घर जा ही रहा था कि रास्ते में ही मेरे को एक और बॉस पोकेमॉन मिल गया जिसका नाम चिलेट था। तो मैंने सोचा इसको भी पकड़ ही लेता हूं क्योंकि ये काफी कमजोर लग रहा था। भले ही ये बॉस मॉब था बट इसका लेवल सिर्फ 11 था, तो मेरे को लगा ये इजीली हाथ में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने सोचा था, मेरी बड़ी वाली मुर्गी ने इसको काफी इजीली पेल दिया और बहुत आसानी से हमने इसको पकड़ लिया। मेरे को हनी भी चाहिए था केक बनाने के लिए और हनी मिलता था इस सीने मौत को मार के। तो मैं फटाफट से बहुत सारे सीने मौत से फाइट करने लग गया। इनसे लड़ना उतना भी मुश्किल नहीं था, एक ही साथ मैंने 4-5 तितलियों को मार दिया और उनसे मेरे को बहुत सारा हनी भी मिल गए। तो फिर मैं वापस अपने घर पे चला गया और अब बस मेरे को कुछ टाइम तक वेट करना था जब तक मेरे गाय थोड़े से दूध देंगे। तो मैंने अगले दिन तक वेट किया और अब तक मेरे पोकेमॉन्स ने बहुत सारे दूध और अंडे दे दिए थे। तो मेरे पास सब कुछ था केक बनाने के लिए, तो मैंने फटाफट से केक बनाना शुरू कर लिया। बट इस केक को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था भाई, लिटरली इसका प्रोग्रेस बार तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कब से उधर स्टक हुआ है। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरा फायर पोकेमॉन बहुत छोटा है, बाद में जब मेरे को बड़ा वाला फायर पोकेमॉन मिलेगा तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। फिर मैंने स्मॉल फीडबैक को अनलॉक कर लिया और उसको क्राफ्ट कर लिया। ये करने से मेरे इन्वेंटरी के खाना मेरे पोकेमॉन्स अपने आप ही खाएंगे, मेरे को उनको बार बार खिलाना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज भी काफी ज्यादा कूल लगी मेरे को। मैंने इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया था कि मेरा एक इंक्यूबेटर भी अनलॉक हो गया था। फाइनली मेरे को मिले हुए अंडे को मैं इसके अंदर रख के हैच कर सकता था। तो मैंने फटाफट से एक इंक्यूबेटर बना लिया और इतने टाइम में मेरे मुर्गी और गाय ने बहुत सारे अंडे और दूध दे दिए थे। मेरे को अब तक बहुत सारे अंडे मिल गए थे, तो उनमें से मैंने एक इलेक्ट्रिक एक को इंक्यूबेटर में डाल दिया और अब मेरे को 40 मिनट तक वेट करना पड़ेगा इस अंडे को हैच होने के लिए। और फाइनली बारी आ गया था अपने पोकेमॉन्स को ब्रीडिंग करवाने का। तो मैंने अपने 2 पोकेमॉन्स को ब्रीडिंग फार्म के अंदर फेंक दिया और इतना ज्यादा टाइम हो चुका था बट अभी तक भी मेरा केक आधा ही बना था। तो मैंने सोचा जब तक केक बनता है कुछ और पोकेमॉन्स को भी पकड़ लेता हूं। तो फिर मैं रात को बाहर पे निकल गया और उधर पे मेरे को एक बंदर वाला पोकेमॉन मिल गया। तो हमने उसको बहुत ज्यादा इजीली कैच कर लिया और थोड़े से ही आगे हमें एक दूसरा क्रेजी पोकेमॉन मिल गया। इस पोकेमॉन से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल था बट फिर भी पेनकिंग और मैंने मिलके इसको भी काफी आसानी से हरा दिया और इसको भी पकड़ लिया। फिर उसके बाद हमारा फाइट हुआ एक बड़ी सी बिल्ली के साथ, बट इस जंगली बिल्ली को पकड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, काफी आसानी से वो भी हमारे हाथ आ गई। तो मैं वापस घर जा ही रहा था तभी मेरे को रास्ते में कुछ मधुमक्खी दिख गए और इनको पकड़ना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं था जो कि मेरे को हनी बना के दे दे। तो मैंने सोचा इनको भी लगे हाथ पकड़ ही लेता हूँ, इतने बड़े बड़े पोकेमॉन्स को मार के आया था, इनको पकड़ना कितना ही मुश्किल होगा। मैं ऐसा सोच रहा था फिर मेरे को पता चला कि ये लोग तो चलते फिरते टाइम बॉम्ब है। इनका कुछ अजीब किस्म का अटैक था, एकदम से पास में आ जाते थे और फट जाते थे। डायनासोर को हराने वाला मैं एक मधुमक्खी से मर गया, बट कोई बात नहीं, हम फिर से रिस्पन हो गए और इतने देर में मेरा केक भी बन गया था। तो फिर मैंने अपने केक को दोनों पोकेमॉन्स को खिला दिया और अब कुछ ही देर में ये लोग एक अंडा देने वाले थे। फिर मैं चला गया अपने मरे हुए लोकेशन पे अपने सारे सामान को वापस लेने के लिए। मेरे को फिर से कुछ मधुमक्खी दिख गए तो मैं फिर से उनसे लड़ने लग गया, बट उनका ये फटने वाला अटैक का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लो हो गया था और एक मधुमक्खी फिर से मेरे पास आके टिट टिट करने लग गया, तो मैं डर के कूद गया ऊपर से और
मेरे को लगा था माइनक्राफ्ट के जैसे पानी में शायद फॉल डैमेज नहीं मिलता होगा, बट मैं दोबारा से मर गया। फिर से मैं वापस जाके अपने सारे सामान को ले लिया और अब तो मेरे को ऐसा लगने लगा था कि मधुमक्खी इस गेम की मेन बोस है। मैं वापस घर जा ही रहा था कि तभी मेरे को फिर से कुछ मधुमक्खी दिख गए और मैं फिर से एक बार उनके साथ लड़ने वाला था, बट इस बार मैंने कुछ सोच के आया था। मैं काफी दूर रह के उनसे लड़ रहा था ताकि वो मेरे पास आके फट ना जाए। मेरा पोकेमॉन उनको मार मार के लो कर देगा तो मैं उनके पास जाऊंगा और उनको पकड़ लूंगा। और मेरा ये वाला स्ट्रेटेजी सच्ची में काम कर गई। मैंने एक मधुमक्खी को कमजोर कर दिया और उसके पास जाके बहुत सारे पोकेबल्स को फेंका और फाइनली एक पोकेबल में वो आ गई। बाकी के सारे मधुमक्खी मर गए थे तो मैंने उनसे भी बहुत सारे हनी को कलेक्ट कर लिया और वापस अपने बेस पे चला गया। और अब तो मैंने खुद ही एक मधुमक्खी को पकड़ लिया था, जिसका मतलब मेरे को बार बार हनी को ढूंढने नहीं आना पड़ेगा। मैं अपने बेस में प्रोड्यूस कर सकता हूँ हनी को। मैंने इंक्यूबेटर में जो अंडा को डाला था हैच करने के लिए वो भी हैच हो गया था और उसके अंदर से मेरे को एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन मिल गया। फिर मैंने अपने मधुमक्खी को भी फार्म में लगा दिया ताकि वो उधर से हनी प्रोड्यूस करे। फिर मैंने अपने इंक्यूबेटर में दूसरा अंडा को डाल दिया और एक नया इंक्यूबेटर भी बना लिया ताकि मैं एक ही साथ दो दो अंडे को हैच कर सकूं। इतने देर में मेरे पोकेमॉन्स ने भी बहुत बड़ा वाला अंडा दे दिए थे तो मैंने इस वाले अंडे को भी हैचिंग के लिए लगा दिया और अब एक घंटे में ये अंडा हैच होने वाला था। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस एग के लिए तो फिर मैं एक घंटे तक इसे एएफके करते हुए बैठ गया और फाइनली अब इसका इंक्यूबेशन भी कंप्लीट हो चुका था। और इस अंडे से जो पोकेमॉन निकला भाई उसको देख के मैं पागल हो गया भाई। इसके अंदर से लिटरली अंशु बीस्ट भाई खुद निकल गए थे। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता तो अनुबिस इस गेम का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमन है और मेरे को ये वाला पोकेमन लिटरली पहली ब्रीडिंग में मिल गया था। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये पोकेमन इतना खास क्यों है तो तुम लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ। इसका काम करने का जो स्पीड है उसको देख के तुम लोगों को मजा ही आ जाएगा। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने अनुबिस को क्लोथ बनाने के लिए बोला और इसने जो स्पीड में क्लोथ को बनाया आहा। तुम्हारे बेस के अंदर के कोई भी काम है लिटरली 2 सेकंड में खत्म करके दे देता है। और इसके साथ साथ इस वर्ल्ड में 50 डेज भी कम्प्लीट हो चुके हैं और इन 50 डेज में हमने अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया है। बस एक अच्छा सा घर रह गया, बाकी तो हमने बहुत कुछ कर लिया। तो तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और अगले एपिसोड में मेरे को क्या क्या करना चाहिए कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है, बट आई होप ये सारा मेहनत वर्थ इट होगा और तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली इसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।